तुम समस्त वीडियो को स्वागत। दुईटी सन्निहित बाहु और तीनोटी कोणर मापदत्त थिले एक चतुर्भुजर अंकन। आज आम दुईटी सन्निहित बाहु और तीनोटी कोणर मापदत्त थिले एक चतुर्भुज तैयारी उपरे आधारित उदाहरण देखिबा। अबनी एक झोटी तैयारी करूथिला। से झोटी रे एक चतुर्भुज आकार आकृति पी क्यू आर एस अंकन करने को चाहूँ, जहार बाहु पी क्यू और क्यू आर यथाक्रमे 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अटे एवं कोण पी क्यू आर र मूल्य यथाक्रमे 110 डिग्री 120 डिग्री और 90 डिग्री। तुम्हें कोण चतुर्भुज पी क्यू आर एस अंकन अबनी को साहाज्य करि पारिबो। आमे जानिछे जे चतुर्भुजर 4टी कोणर समिष्टि 360 डिग्री होइथाय। एठारे दत्त थिबा 3टी कोणर समिष्टि 360 डिग्री रु कम अछि, जहाँ साहाज्य रे आमे चतुर्भुजर चतुर्थ कोणर मूल्य निर्णय करि पारिबा, जेउथिरे चतुर्भुजर अंकन संभव होइथाय। तेणु आस सर्वप्रथमे एक नमूना आकृति तैयारी करिबा। आमे जे कौनसी बाहरु आरंभ करिपारिबा। मने करो आमे बाहु क्यू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अंकन कले, बिंदु क्यू उपरे कोण एल क्यू आर इक्वल टू 120 डिग्री अंकन कर। क्यू को केन्द्र भाभी 4 सेंटीमीटर व्यासार्धर एक चाप QL अंकन कर। चाप ओ QL रो छेदबिंदु को P नाम दियो। PQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एबे बिंदु P उपरे कोण MPQ इक्वल टू 110 डिग्री अंकन कर। तेबे कोण तुम्हें कही पारिबो जे परवर्ती पाद कोण हेबो। बिल्कुल ठीक, परवर्ती पादरे बिंदु आर उपरे कोण क्यू आर एन इक्वल टू 90 डिग्री अंकन करिबा। आर एन ओ पी एम रो छेदबिंदु को एस नाम दियो। एही परी भावे आमे चतुर्भुज पी क्यू आर एस अंकन कले। आज आमे उदाहरण साहाज्य रे एक चतुर्भुज तैयारी विषय रे जानिले।